हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोइस वर्ल्ड। अभी तक आप तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आज मैं एक ख़ास पौधे के बारे में आप सबको बताऊंगी। आप सबको तो पता ही है, दुनिया में लाखों करोड़ों प्लांट्स है जिसका जो प्रोपागेट होता है स्टीम कटिंग से प्रोपागेट होता है, रूट डिविजन से होता है या फिर सीड से होता है। पर आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करूंगी, इसे बोलते हैं मदर ऑफ थाउजेंड। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ये देखिए फ्रेंड, एक मैच्योर मदर ऑफ थाउजेंड 100 से 150 बेबी प्रोड्यूस करता है अपने एक ही पत्ती से। और यही पत्ती, यही प्लांट नीचे गिर के दूसरा नया प्लांट बनता है। ये देखिए, इसका ये पौधा नीचे गिर के मेरा नया पौधा बन चुका है। अभी भी बहुत सारा प्लांट इस पर गिरा हुआ है जिससे नया पौधा बन रहा है। तो फ्रेंड, ये है एक टाइप का सकुलेंट जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होता है। और इसका मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। और इसको आप 3-4 घंटे 5 घंटे कड़ी धूप में भी रख देंगे तो गर्मी के मौसम में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक ख़ास बात है, अगर ये डायरेक्ट सनलाइट पे रहेगा तो इसका पत्ती का कलर, पत्तियों का किनारा ऐसे रेडिश हो जाता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मेरा ये पौधा थोड़ा शेडी एरिया में था तो ये ग्रीन है, नहीं तो आप इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट पे या 2-3 घंटे के सनलाइट पे रखेंगे तो इसका किनारा रेड हो जाएगा जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड, इसका कुछ खास केयर होता नहीं है। इसको आप जैसे सकुलेंट का केयर होता है, थोड़ा कम पानी देना, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पानी देना और वेल ड्रेन सॉइल, यही है इसका केयर। ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है। ये इसका एक और ख़ास बात है, रेयरली इसमें आपको फ्लावरिंग भी दिखेगा, पर ये बहुत रेयर होता है, हमेशा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। अगर सही कंडीशन, सही टेम्परेचर, सही लोकेशन पर रखा जाए तो इसमें फूल भी उगते हैं। तो फ्रेंड, इसे, इस पौधे को आप भी अपने गार्डन में लाइए और देखिए मेरा ये मदर प्लांट था, मेरा एक मदर प्लांट से कितना सारा प्लांट बना है और भी नया नया प्लांट बन रहा है और भी है मेरे पास। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लाइए और अपने गार्डन को हरा भरा कीजिए। हमेशा ये आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा, आपके गार्डन को चांद चांद लगा देगा। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है बिगिनर के लिए भी, अगर जो बिगिनर सकुलेंट रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मदर ऑफ थाउजेंड बहुत अच्छा प्लांट है। तो आप भी इसको अपने घर पे लाइए और अपने गार्डन को ग्रीनरी फैलाइए, हरा भरा रखिए। क्योंकि सकुलेंट है तो इसको वाटर की ज़रूरत बहुत कम होता है। इस प्लांट सिर्फ वाटर से कील हो सकता है। आप इसमें ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो ये मर सकता है और सर्दी के पीरियड में डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो उस टाइम इसको पानी के ना के बराबर देना होता है। ये है तो सकुलेंट, इसको भी पानी की ज़रूरत है। आप जितना अच्छा इसका वाटरिंग करेंगे ये उतना अच्छा इसका पौधे का पत्तियाँ बड़ा बड़ा होगा और ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपको सॉइल का ध्यान रखना है, बस सॉइल आपका वेल ड्रेन होगा तो आप ज़्यादा वाटर दे सकते हैं, नहीं तो ये सकुलेंट है, इसमें आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये जल्द से जल्द मर जाएगा और सर्दी में पानी देना एकदम कम कर देना है। तो फ्रेंड, आज का मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्लांट आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।